एंजॉयिंग थक रहे हो मेरे को ये देखो। चलो हाँ ठीक है नहीं जाएंगे। तो गाइस मैं क्या करूँ अभी, कोई चलने कोई तैयार नहीं है। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिएगा। तो गाइज हम जा रहे हैं बटरफ्लाई ट्रैम्पोलाइन में, जो पार्क है बहुत ही अच्छा है। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज। अदान भी हमारे साथ आ गए थे। तो सबसे पहले हम आए थे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, क्योंकि दोनों काम हम एक साथ करने वाले थे। तो कबीर के डैडी गए थे ट्रायल के लिए, तो वो बिज़ी थे उसमें, और जो है हम लोग बैठे थे। अदान और कबीर जो है कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रहे थे, और काफ़ी धूप थी तो बिल्कुल भी गर्मी बहुत हो रही थी, और ये लोग कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे थे, और अदान हंसा रहा था मुझे। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया था, इन लोगों को मैंने यहाँ पे ही कुछ खिला दिया, और काफ़ी टाइम हो गया था, 2 घंटे ऑलरेडी हो गए थे, तो गर्मी बहुत हो रही थी मुझे। तो गाइस स्टील हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमें पहले लगा था ये स्टेशन के पास रहेगा, बट नहीं, ये स्टेशन से काफी दूर था, खाना है क्योंकि हमारे नानी के घर के पास भी है एक, बट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट का, बट ये यहाँ पे होता है अभी 4-व्हीलर एंड 3-व्हीलर का। तो अभी बजे 3:30, 5:30 बजे भी हमें निकलना है वहाँ पे कोलैबोरेशन के लिए। सो देखते हैं कितना टाइम होता है, मोस्टली 4 बजे तक हो जाने चाहिए, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो गाइज ये देखिएगा कितना क्लीन और कितना अच्छा है, ये पिंपरी चिंचवड़ में है, ये 2-व्हीलर 2-व्हीलर तो नहीं, 3-व्हीलर 4-व्हीलर का यहाँ पे टेस्ट होता है ड्राइविंग का। तो गाइस 4:30 बज गए हैं, अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट पूरा नहीं हुआ है, 3रा जो राउंड होता है वो बाकी है। तो काफ़ी परेशान हो गई मैं, बस बच्चों को अभी होटल से खाना खिला के लेकर आई हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला के बैठी हूँ, और काफ़ी धूप है एंड नहीं हुआ अभी तक, अभी जाना भी है 5:30 बजे वहाँ पे, पता नहीं। तो कबीर यहाँ पे खेलने लगे थे, यहाँ पे सामने थोड़ा गार्डन की तरह था, तो कबीर बार बार जाके वहाँ पे खेल खेल के आ रहे थे, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली हमें नहीं पता था इतना टाइम लगेगा, बट 5:30 तो बज गए, तो अभी भी नहीं हुआ, तो पता नहीं कैसे पहुँचेंगे अभी। तो गाइस फाइनली थक थका के हम पहुँच गए यहाँ पे, और कबीर और अदान के लिए पहले मैंने खाने के लिए ऑर्डर किया, क्योंकि रोज़ा था हमारा, तो रोज़ा खोलना भी था, फिर यहाँ पे खेलना था, वीडियो बनाना था। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, और सबसे पहले हम कुछ खाने वाले हैं अभी, ये देखो ये लोग बैठे हैं यहाँ पर, कबीर के डैडी हिफ्तारी थोड़ी किए थे, अब थोड़ी बाकी है तो यही करेंगे। देख के बस ऐसे लग रहा है बस अभी उड़ के चली जाऊँ यहाँ पे, तो मैं भी खेलने वाली हूँ आज, तो आज बच्चों के साथ बच्ची बनने वाली हूँ मैं भी। तो गाइस आई एम सो एक्साइटेड। नहीं हुआ तो कबीर खाने लगे हैं। तो गाइस खाली है अभी, बस अभी मस्त जा रही हूँ अंदर, इतना खाली अब कूदूंगी जैसे मैं यहाँ पे। तो अदान जा रहे हो अंदर, हैप्पी कभी जा रहे हो अंदर, हैप्पी सॉक्स पहने, अदान ने भी सॉक्स पहने और मम्मा ने भी सॉक्स पहने, हाँ ले उन अंकल को बोल के। तो अभी जा रहे हैं अंदर।
तो गाइस अब वो वक्त आ गया कि हम जो है ट्रैम्पोलाइन में अंदर चले जाए। बहुत ही बड़ा है और कबीर के डैडी सबसे पहले और कबीर जो है एंजॉय कर रहे थे। मैंने तो कभी विजिट नहीं किया ऐसे ट्रैम्पोलाइन में, बट ये देख के तो मैं हमेशा विजिट करने वाली हूँ। एक माइंड फ्री भी हो जाता है और एक एक्टिविटी है, तो बच्चे भी खुश, हस्बैंड भी खुश, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए, ये मैंने ट्राई किया था और आगे नहीं जा पा रही थी मैं। कैसे तैसे कबीर के डैडी ने मुझे बोला कि जाओ। ये देखिएगा किस तरीके से, मुझे डर था कि मुझे लग ना जाए कहीं, बट स्टिल मैंने हार नहीं मानी थी और फाइनली जो है मैं कैसे तैसे जो है ऊपर। बहुत ही मज़ा आया, मैंने इतना इन्जॉय जो है मैंने कभी नहीं किया, इतना इन्जॉय मुझे ये बटरफ्लाई ट्रैम्पोलाइन जो है खराड़ी में, मुझे यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। वन, थोड़ा जोर से कूदते ना बेटा, इधर लग जाएगा वैसा मत। आदान एंजॉयिंग, थक रहे हो क्या? अभी तुम्हें कुछ खाना भी है, आइसक्रीम और सैंडविच बाकी। तो ये कबीर के डैडी और कबीर यहाँ पे खेल रहे हैं। कबीर, ओ पापा इधर देखो कबीर। बॉल के साथ मैंने इतना खेला, कबीर के डैडी ने इतना खेलने को बोला मुझे कि मैं इतना थक गई, जिसकी बट खुद को रोक भी तो नहीं पाई खेलने से। जाना है? चलो कबीर, चलो घर जा रहे हैं हम, चलो घर घर जा रहे हैं, घर घर घर, चलो कबीर जाना है, चलो घर। वो मानेगा ही नहीं अभी आने को। को ये देखो कबीर को, ये देखो, चलो घर। हाँ ठीक है, नहीं जाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं। तो गाइस कबीर तो चलने को ही तैयार नहीं है, और जो है मैं इन लोगों को बोल बोल के थक जा रही थी कि चलो चलो करके, बट कोई नादान आने को तैयार था ना, वाहिद ना ही कबीर। तो गाइस तो काफ़ी गेम हमने खेला और कबीर को ये जो है ये गेम करवा रहे थे। तो कबीर जो है बिल्कुल, मतलब मैं कोई कोई गेम खेलने के लिए डर रही थी, बट कबीर बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस बहुत खेल लिया, हड्डी फसली सब टूट गई है, अब मैं और नहीं खेल सकती हूँ। अब मैं तुझ कुछ खाने जाऊँगी, जितना खाया था वो हजम भी हो गया है बहुत अच्छे से। तो अभी ऊपर जा रहे हैं कैंटीन में, और कबीर अब बहुत रोने वाले हैं आने के लिए। कबीर के डैडी बैठ गए हैं और बस जा रहे, बहुत थके। वो तो नीचे झुका के स्लाइडिंग करने को लगाया था मुझे, बाप रे ऐसे लगा कोई खींच रहा है मुझे, बहुत थके। ए आदान, चलो चलो जाएंगे बस ना। हाँ बस ना बेटा, पसीना देखो आपको कितना आया बेटा, चलो थोड़ा सिर्फ 10 मिनट बोलो, थोड़ा देर कुछ खा के आएंगे फिर से आएंगे। भूख लगी है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ जूस वगैरह पी लो, मैं थोड़ी देर से पी। कबीर कबीर गिरेंगे आप? नहीं बॉल देखते। तो गाइस मैं क्या करूं, अभी कोई चलने को ही तैयार नहीं है, ना आदान आने को तैयार है मेरे साथ और ना ही कबीर। कबीर तो रोने लग रहे हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे जाऊं? और कबीर के डैडी उनको भी खेलना है, रात के 9 बज गए हैं और ये लोग चलने को तैयार नहीं है। आदान चलो ना, जाएंगे वेरी गुड, जाना है 5 मिनट से कब? मेरे को आधे घंटे पहले भी आपने 5 मिनट बोले थे। भागो मत भैया, उसको तो देखो। जाना है? नहीं जाना, ये कोई चलने को तैयार नहीं है। कबीर चलो जाना है, जा रहे मम्मा बाय, चलो। तो कोई भी जाने को तैयार नहीं है, तो ये काफी अच्छा है। सोचो बच्चे लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो
तो अगर आप भी खराड़ी से हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मेंशन कर दिया है, तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा यहाँ पर। काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही अच्छा है, सब लोग इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस देखिए कितना अच्छा है ये, आपको फुल देखने को मिलेगा यहाँ से नज़ारा। कौन सा ले रहे हो दान? ठीक है, तो गाइस हम लोग आ गए थे और थोड़ा आराम किया। अभी बजे है रात के 2:15 और लगी है भूख, क्योंकि वहाँ से हम लोग खाए थे, फिर आने के बाद जो है उतना भूख नहीं लगी थी, फिर भी ऑमलेट वगैरह खा लिए थे, बट रात के 2:15 बजे लगी है मुझे भूख। तो कबीर के डैडी ने कहा चलो हम जाते हैं खाने के लिए, तो अदान भी यहीं रुक गए हैं। फेस तो दिखाओ, अदान भी यहीं दिखे। अदान बोल रहा है मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरा वीडियो मत लो। बट चलिए गाइस, अदान को भी देख लिया आप लोगों ने। आज का व्लॉग हम 2:15 में फिनिश करते हैं, बट थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी क्या माहौल है अभी रात में 2:00। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस हम लोग ने खा लिया, बस अभी जा रहे हैं। हमने लिया था काशी कबाब एंड पराठा एंड तोहरा लिया था, खा लिए, आपको बता नहीं पाई बिकॉज बच्चे भी सो गए थे, अदान भी सो गया और इजहान भी सो गया। तो बस अब हम जा रहे हैं वापस बैक टू होम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आते हैं, ताकि मैं और वीडियोस ला सकूं। तो अल्लाह हाफिज़।